स्मार्ट सिटी को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है? केंद्र सरकार द्वारा जो सौ शहर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किए गए हैं, उसमें सहारनपुर का भी नंबर आया। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। घोषणा के आखिरी और चौथे क्रम में सहारनपुर का नंबर स्मार्ट सिटी में आया है और निश्चित तौर से भी स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी पीएमसी तैयार हो चुकी है, घोषित हो चुकी है। उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट के बारे में डीपीआर वगैरह बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा पैसा हमारे पास आना शुरू हो गया है। लगभग 34 करोड़ रुपए दोनों सरकारों द्वारा हमें मिल चुका है, परंतु ये अभी पहले डीपीआर तैयार होगी और एबीडी एरिया है पूरे सहारनपुर में, वाईफाई का निर्माण होना है, कंट्रोल कमांड सिस्टम अगले एक साल में सहारनपुर नगर निगम में तैयार हो जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था पे हम लोग सुधार ला सकें। सहारनपुर को पूर्ण रूप से एलईडी युक्त बनाया जाएगा, इस क्रम में काम शुरू हो चुका है। 26 जनवरी को सहारनपुर में एक साथ हम उसका मुहूर्त करते हुए 26 जनवरी तक सहारनपुर पूर्ण रूप से एलईडी के साथ सुसज्जित हो जाएगा और इसी क्रम में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से जो उम्मीद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहारनपुर को स्मार्ट सिटी घोषित करके हम लोगों से रखी है, उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एलईडी प्रदेश सरकार द्वारा ईएसएल एक कंपनी है जिसके माध्यम से चेंज हो रही है और इसमें सहारनपुर नगर निगम को कोई पैसा नहीं देना है। जो बिजली की बचत, इसके कुछ पैरामीटर्स तय हुए हैं, जो बिजली की बचत ये सोडियम उतार कर और एलईडी लगा कर होगी, उस बिजली की बचत में से ही इसकी पेमेंट ईएसएल अगले 7 साल में वसूलेगी। 7 साल तक पूरी मेंटेनेंस ईएसएल के पास है, हमें किसी लाइट की कोई मेंटेनेंस नहीं करनी है, ना ही कोई बिल पे करना है। लाइट के लिए क्या टेंडर उसका रहता है, जो लाइटें लगाते हैं कंपनी को कितने पैसे का टेंडर? ये सब प्रदेश सरकार द्वारा है, सहारनपुर नगर निगम से टेंडर कोई नहीं छुटा है लाइट का। मैंने आपको बताया कि जो बिजली का बिल का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में से अपनी कॉस्ट ये कंपनी निकाल लेगी।